गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लेज़ी, लो एनर्जी एंड डीमोटिवेट फील करते हैं और ऐसे में हम फ़ोन से दूर नहीं रह पाते हैं। जो एक्चुअल में करना होता है उससे करने की वजह हम लोग अपना एनर्जी एंड टाइम वेस्ट करते हैं। हमें पता तो होता है कि हम लोग बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पर अपने आप को हम लोग रोक नहीं पाते हैं और ऐसा लगता है कि इंटरनल फाइट चल रही है कि पता है लेज़ी होना बंद करना है, लेकिन हमारे बॉडी और माइंड के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। अगर आप फाइनली इसे चेंज करने के लिए रेडी है और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट, प्रोडक्टिव एंड डिसिप्लिन में अपना हेल्दी लाइफस्टाइल को बनाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए। चलो कुछ तरीका देखते हैं जिससे आप लेज़ी फील करते हैं उससे आप स्टॉप कर पाएंगे। सबसे पहले आप एक पॉजिटिव और एनर्जी रूटीन बनाइए, उससे आप रोज़ फॉलो करें। अब ये पॉजिटिव रूटीन क्या है, तो ये वो प्रोडक्टिव रूटीन है जो हमें एनर्जी दे, मूड को बेहतर बनाए, हमें अच्छा और पॉजिटिव फील करवाए। तो ये कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके फेवरेट सॉन्ग सुनना हो, आपको जिम जाना हो, या फिर वॉक पे जाना पसंद हो, या फिर आपको जॉब पे टाइम पे जाना हो, या फिर आपको डांस करना, कुकिंग करना, या फिर घर का कोई भी काम करना जिससे आप प्रोडक्टिव फील करो। आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, तो अपने मॉर्निंग रूटीन में ये सारी चीज़ आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि सुबह सुबह मैं म्यूज़िक लगाती हूँ और अपना रूम का क्लीनिंग शुरू करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे जिम जाना पसंद है क्योंकि मुझे अच्छा फील होता है, एनर्जेटिक फील होता है और मेरा मॉर्निंग बहुत ही प्रोडक्टिव फील होता है। सुबह मॉर्निंग में उठते हो तो आप वैसे ही प्रोडक्टिव फील करते हो, एंड आप अगर थोड़ा सा भी देर करते हो तो आप वैसे ही लेज़ी फील करते हो। और सुबह उठते ही अपने मोबाइल को टच ना करें, घर के कामों पर और अपने रूटीन को अगर फॉलो करते हो तो इससे आपका बहुत ही अच्छा एक हेल्दी एंड आपका एक डिसिप्लिन लाइफ आप फॉलो कर पाते हो। मैं अपने मॉर्निंग रूटीन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए घर को क्लीन करती हूँ ताकि मुझे अच्छा वाइब मिले, अपनी स्किन केयर करती हूँ, जिम जाती हूँ, अच्छा अच्छा मील मैं अपने लिए हेल्दी बनाती हूँ, इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल भी केयर करती हूँ ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे लेज़ी फील ना हो। ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए आपके लाइफ को डिसिप्लिन में लाने के लिए, आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्शन जो है उसे कम करनी है। मोटिवेशन तब मिलेगी जब आप खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना सीखोगे। 2024 ऑलमोस्ट चला गया है, 2025 में आप अपने आप को कैसे और बेहतर बनाओगे, अपने सपनों को कैसे अचीव करोगे, इसके लिए अभी से अपने आप को मोटिवेट करना सीख लो, अपने सेल्फ कंट्रोल करना सीख लो और अपने गोल्स के ऊपर फोकस करो। लेज़ी होने से आपके लाइफ बहुत पीछे चली जाएगी, आपका जो ड्रीम है वो आप पूरा नहीं कर पाओगे। अभी तो टाइम है खुद को कुछ प्रूव करने का, अभी तो टाइम है अपने आप को लाइफ में कुछ तोहफा देने का, और वो तोहफा है आपका सेल्फ डिपेंड, इंडिपेंडेंट होना। सो गर्ल्स, वेक अप और अपने ऊपर फोकस करना आज से ही शुरू कर दो। नेक्स्ट, शावर रूटीन जितना जल्दी लिया जाए उतना ही ज़्यादा प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक फील करते हो। मैंने अपने अम्मी को देखा, दादी को देखा था कि सुबह सुबह नहाते थे और घर के कितना सारा काम करते थे और दिन भर कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक भी रहते थे, और मैं भी उस चीज़ को फॉलो करती हूँ और मॉर्निंग में अपना शावर रूटीन में जल्द से जल्द ले लेती हूँ ताकि पूरा दिन मेरा फ्रेश एंड प्रोडक्टिव रहे। जब हमें बहुत ज़्यादा लेज़ी फील होता है तो हम लोग कुछ भी नहीं करते, पर बेसिक स्किन केयर रूटीन हमेशा फॉलो करना चाहिए। मॉर्निंग में एटलीस्ट आप सनस्क्रीन लगा लो, मॉइस्चराइजर लगा लो या फिर लिप बाम लगा लो, ये सारी चीज़ बहुत बेसिक है तो हमारे स्किन केयर रूटीन पे होना चाहिए ताकि यूवी रेस से हमारी स्किन प्रोटेक्ट रहे और स्किन में कोई भी पिगमेंटेशन या फिर कोई भी मार्क्स ना हो और स्किन हेल्दी एंड ग्लोइंग दिखे। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन। जब हम लोग लेजी फील करते हैं या फिर काम नहीं करते हैं, तब हम लोग सोशल मीडिया में रहते हैं या फिर हम लोग नेटफ्लिक्स में हम लोग कोई सीरीज़ देखते हैं, दिन भर अपना टाइम बर्बाद करते हैं। हमें पता नहीं चलता कि स्क्रॉल करते हुए या फिर कोई भी सीरीज़ देखते हुए हम लोग अपने कितना वक्त लगा दिया है। तो हमें अपना सेल्फ पे कंट्रोल होना चाहिए और अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कुछ भी मत देखो या फिर कुछ यूज़ ना करो, पर कितना टाइम करना चाहिए वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, नहीं तो हम लोग अपने लाइफ में बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने डिसिप्लिन में रहना। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव वर्क प्लेस क्रिएट करें। आप अपने घर के साथ साथ घर के वो हिस्से को जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें। आप अपने वर्क प्लेस को अच्छे से डिज़ाइन करें, नेचुरली फोकस एंड क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। अगर घर बहुत ज़्यादा मेसी हो, ऑर्गेनाइज ना हो या फिर बैड स्मेल आ रहा है, तो इससे आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील करो, लेजी फील करोगे एंड आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि हमारे घर ही है जहाँ से हम लोग अपने काम का शुरुआत करते हैं और फोकस कर पाते हैं, क्योंकि घर से ही शुरुआत होती है। मैं अपने घर को हमेशा क्लीन रखती हूँ, ऑर्गेनाइज रखती हूँ और आप लोगों के साथ वीडियो में मैं कितना बार शेयर भी किया है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, पॉजिटिविटी मिलती है और मुझे प्रोडक्टिव भी फील होता है। इससे मुझे काम करने में भी अच्छा लगता है। तो आप अपने वर्क प्लेस को और अपने घर को हमेशा क्लीन रखें एंड जो सारी चीज़ आपको चाहिए काम करते वक्त वो सामने रखें, ताकि आपको काम करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादातर यूट्यूब का वीडियो मैं इसी रूम पे शूट करती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहले ही थोड़ा सा वाइब क्रिएट करूँ, मैं कैंडल लगाती हूँ, घर को थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज करती हूँ, ताकि मैं लेजी और डीमोटिवेट फील ना करूँ और अपने काम पे फोकस करूँ और जो वीडियो मैं शूट कर पा रही उस पर मैं अपना 100% दे पाऊँ। बहुत ज़्यादा लेजी फील होता है, नेगेटिव थॉट आता है, तो सबसे पहले आपको वर्क करना पड़ेगा अपने थॉट के ऊपर। अपने थॉट को आपको रिजेक्ट करना सीखना पड़ेगा, ताकि आपको वो डिस्ट्रैक्ट ना कर सके अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। जिस दिन ये आप करना सीख जाओगे, उस दिन आप सोचोगे कि बात तो इतनी बड़ी नहीं थी कि जितना आपने सोचा था, प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी कि जितना आपने सोचा था। लेजी फील करना, डीमोटिवेट फील करना सबसे बड़ा रीज़न है हमारा ओवरथिंकिंग और हमारा थॉट्स। जिस दिन ओवरथिंकिंग करना बंद कर देंगे, थॉट्स को रिजेक्ट करना सीख जाएंगे, उस दिन हम अपने लाइफ और अपने काम पे और अच्छे से फोकस कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग दूसरे के बात सुन के डीमोटिवेट होके अपने लाइफ को स्टॉप कर देते हैं और अपने ऊपर सवाल खड़ा कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। कोई तीसरा आदमी आके आपको अगर बोल रहा है कि तुम ऐसी हो वैसी हो, तो एक ही चीज़ करो, एक कान से सुनो दूसरा कान से निकाल दो, क्योंकि वो सामने वाला इंसान हो आपको बुरा भला बोल के खुद को बड़ा समझ रहा है, पर वो अपना परवरिश का पहचान दे रहा है, अपना एडुकेशन का पहचान दे रहा है, अपने आप का पहचान दे रहा है। आपका थोड़ी ना कुछ बिगड़ रहा है, आप क्या हो आपके घर वालों को पता है, और जो सेकंड पर्सन है वो है आपके घर वाले और फर्स्ट पर्सन आप, तो थर्ड पर्सन का कोई बात ही नहीं है। तो अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, अपने करियर पर फोकस करो, अपने आप को मोटिवेट करो और ऐसे नेगेटिव लोगों को इम्पोर्टेंस ही ना दो और फोकस ऑन योर सेल्फ। नेक्स्ट हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट। बेसिक है पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम सभी को हेल्दी हैबिट्स की ज़रूरत होती है, जो हमारे ओवरऑल बॉडी को इंटरनल एंड एक्सटर्नल सपोर्ट करती है। अच्छे से नींद लेना, अच्छे से हेल्दी खाना खाना, वर्कआउट करना, अपने बॉडी को मूव करना ताकि ब्लड सर्कुलेशन हो, ये सारे चीज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बॉडी का नीड है। तो ये सारे हेल्दी हैबिट्स तो हमारे रूटीन में होना ही चाहिए। कभी कभी ज़्यादा काम करने के चक्कर में हम हमारे हेल्थ को भी इग्नोर करते हैं, हमारे रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते या फिर हमारा डाइट,
वर्कआउट को भी हम लोग स्किप करते हैं, क्योंकि हमारे टू डू लिस्ट के सारे गोल्स को हमें अचीव करने होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा काम पे बिजी हो जाते हैं। काम के साथ साथ हेल्थ का भी केयर करना है, तो हमेशा बैलेंस करके अगर चलेंगे तो काम भी अच्छा होगा और हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा। इससे हम अपने काम पे और अच्छे से फोकस कर पाएंगे। प्रोडक्टिव, मोटिवेट और डिसिप्लिन अगर रहना है तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम अपने माइंड को सेट करें और अपने गोल्स के ऊपर फोकस करें और अपने लाइफ में कंट्रोल लाएं। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। आप सबको तो पता ही है, मैं जॉब करती हूँ, जॉब में मेरा 9 आवर जाता है और घर आते आते एक आधा घंटा तो चला ही जाता है। उसके बाद मेरा घर का भी काम रहता है, जिम भी रहता है, अपना केयर भी करती हूँ, अपने पेट्स को भी देखती हूँ और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा यूट्यूब का काम। तो मैं अपना वीक डेज में अपना यूट्यूब का वीडियो शूट करती हूँ एंड थर्सडे मैं अपना वीडियो अपलोड करती हूँ, तो वेडनेसडे मैं ऑफिस से आने के बाद 10 बजे से अपना वीडियो एडिटिंग करने बैठती हूँ। उसके बाद रात के 4-5 तो बज ही जाते हैं, सुबह हो जाता है, पूरा रात एडिटिंग होता है, वॉइस ओवर होता है, बहुत सारा कट होता है, उसके बाद फाइनल टच जब होता है तो सुबह का 8 बज जाता है। अपलोड करने के बाद फिर मैं कॉफ़ी पी के मैं जाती हूँ ऑफिस में। मैं उस दिन और सो नहीं पाती हूँ, सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी के सहारे में रहती हूँ। एक दिन भी मैं अगर लेज़ी फील करूँगी तो मेरे वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी। तो अपने माइंड सेट को स्ट्रांग रखना और अपने काम पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह से उठने के बाद सुबह घर का काम करना, फिर ऑफिस का काम करना, फिर घर पे आके फिर घर का काम करना, कुकिंग करना, फिर रात में यूट्यूब का वीडियो पूरा रात एडिटिंग करना, फिर ऑफिस जाना बिना सोए, बहुत ज़्यादा नींद आती है, आँख जलती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बट मेरा माइंड सेट स्ट्रांग है, मुझे पता है कि मुझे एनी हाउ एडिटिंग करना है, वीडियो अपलोड करना है तो मुझे करना है। मेरा कोई भी हेल्पर नहीं है, जो भी काम करती हूँ मैं खुद करती हूँ और मुझे पता है गिर के पड़ के मर के जैसे भी करके हो मुझे मेरा काम करना है और अपने गोल्स तक मुझे पहुंचना है। और मैं आपको ये सारे बातें इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि देखो मैं कितना काम करती हूँ, जस्ट इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपको कुछ करना है, कुछ करना चाहते हो तो अपने लिए आप टाइम निकाल ही लेते हो, उस काम के लिए आप वक्त निकाल लेते हो, ना कि एक्सक्यूज, ना कि लेजी फील हो रहा है, ना कि डीमोटिवेट फील हो रहा है। आपको किसी का बात से, किसी का चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने गोल्स, अपने काम के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा पैशन है, प्यार है, तो वो चीज़ आप कर लेते हो। आपकी लाइफ आपको कहाँ लेके जा रही है ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो है आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए या फिर सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन पे बिलीव करते हो तो फिर आप आगे बढ़ जाओगे, अगर इंस्टेंट आपको हर एक चीज़ चाहिए तो आप लाइफ में पीछे रह जाओगे। एंड ऑफ द डे आप खुद के लिए हो तो सोच लो बेड पे रह के स्क्रॉल करना है फ़ोन को या फिर खुद के लिए काम करना है। नेक्स्ट है सेल्फ टॉक। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ टॉक। अगर आप अपने बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, गिट फील करते हैं किसी और को देख के, किसी और का लाइफस्टाइल देख के, और आप अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं, अपने आप को ज़्यादा डीमोटिवेट फील करते हैं, तो आपके लिए पॉजिटिव माइंड सेट शुरू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप के साथ पॉजिटिव बातें करें, अपने आप को मोटिवेट करें, क्योंकि आप खुद को जितना मोटिवेट कर सकते हो ना कोई और नहीं कर सकता है। तो आप अपने खुद का बेस्ट फ्रेंड बने, अपने आप को बोले कि येस आई लव यू, आई सपोर्ट यू, आई ट्रस्ट यू, तुम कर सकती हो, तुम करोगी। ये सारे चीज़ें आप जब बोलना शुरू करोगे आपके अंदर में पॉजिटिविटी आएगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे ही पॉजिटिव सेल्फ टॉक करके आप अपना लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है सेलिब्रेट योर लाइफ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम छोटी से छोटी चीज़ों से सेलिब्रेट करें और अपने लाइफ में खुश रहे। आपको जो चीज़ से खुशी मिलती है एंड पॉजिटिव फील होती है आप वो चीज़ कर सकते हो, उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। मुझे पसंद है अपने पेट्स के साथ खेलना, टाइम स्पेंड करना, क्योंकि मैं खुश रहती हूँ और पॉजिटिव फील करती हूँ। लाइफ में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता है, चाहे वो सक्सेस हो या फिर फेलियर हो।
तो अपने लाइफ को बैलेंस करके चले, न्यूट्रल रखे, पॉजिटिव रहे और जिस चीज़ से आपको सुकून मिले, आपको खुशी मिले वो चीज़ करें, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है और आपको पॉजिटिविटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है चूजिंग योर लाइफ। अगर आप अपने लाइफ में कुछ चेंज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप उसको चूज कर रहे हो। जैसे कि आपको हेल्थ इशू है, या फिर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई जॉब में प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ कंप्लेन कर रहे हो, सोच रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो या फिर लेजी फील कर रहे हो, आप उसको चेंज नहीं कर रहे हो। पता है हमारे लाइफ में हर एक चीज़ चॉइस है। आपकी लाइफ आपकी चॉइसेस से बनती है। आपको पता होना चाहिए कि आपके लाइफ में क्या चाहिए, आप अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए क्या कर सकते हो। और बात बात में हार मान जाना और खुद को ब्लेम करना कि मुझसे तो ये चीज़ होगा नहीं, और एकदम से लेजी फील करना कि मैं तो ये कर ही नहीं सकती हूँ, इसको बंद करो और अपने ऊपर ट्रस्ट दिखाओ और अपने स्किल को इम्प्रूव करो। हर एक इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम है। कोई भी इंसान पूरी तरीके से खुश नहीं होता है। सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट के लिए अपने गोल्स पे फोकस रखें, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें, अपने आप को पॉजिटिव फील करवाएं। कोई ऐसी बातें जो आपके दिल को दुखाए, कोई ऐसी बातें जो आपको डिमोटिवेट फील कराए, और कोई ऐसा चीज़ जो आपको लेजी फील कराए, जैसे रील स्किप करते हो वैसे ही उस चीज़ को ही स्किप कर दो और पॉजिटिव रहो और अपनी छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करो। अपने लेजी गर्ल एरा से निकल के एक प्रोडक्टिव और एक एनर्जेटिक लाइफस्टाइल को अपने रूटीन पे ऐड करें। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहो। बाय।